ये लगा लो भाई, गाड़ी नीचे गई तो ना गाड़ी आ पाएगी ना हम आ पाएगी। दिन में आरटीओ हमारा क्या कर देगा भाई, हुक्का भर देगा हुक्का। ठीक है, हम लोग पहुंच चुके हैं कलकत्ता। इधर लगा हुआ है जाम, और ये चाचा जो हमको इधर हमारी जगह में छोड़ गए जिधर हमारा गाड़ी खाली होगा चाचा को। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज, एक और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं चेन्नई से। और दोस्तों, अपना गाड़ी लोड हो चुका है कलकत्ता का। और दोस्तों, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी हम लोग चलते हैं उधर कलकत्ता के लिए। बिल अपने लिए मिल चुके हैं। और दोस्तों, बड़े रहिए वीडियो के अंदर, जो भी कोई माहौल रहेगा आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, जब अपनी हालत हुई पड़ी ख़राब एकदम, इधर से चलकर कहीं पे नहा के धो के फिर आप लोगों के लिए दिखाएंगे जो भी कोई मोमेंट, जो भी कोई माहौल रहेगा दिखाने लायक। और गाइस, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और बिल अपने लिए मिल चुके हैं इधर से। बिल चेक करा के चलते हैं। ठीक है, अपना रेगुलर ट्रिप करेंगे कलकत्ता के लिए। ओके गाइस, आगे चल के नहाएंगे। ये लगा लो, अपनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अभी रात का 1 बज रहा है और हम लोगों ने नेलूर पार कर लिया है। और इधर गाड़ी रोका रेड बुल के लिए। अम्मा रेड बुल दो, रेड बुल पैसा दे। अपना रेड बुल, और दोस्तों रेड बुल को पीते हैं चलते इधर से। और दोस्तों, ये देखो अपना 120 रुपये का वास बनाता हूँ आप लोगों को। ये आवाज़ सुनी दोस्तों, ये अपना 120 रुपये का आवाज़ है। ठीक है, अभी दोस्तों मेरे को ना ये लगा ले, नींद आ रही है इधर से। अपना रेगुलर ट्रिप करेंगे कलकत्ता के लिए। ठीक है ना, रेड बुल को पी के चलते फिर इधर से। दोस्तों, अभी हम लोग विजयवाड़ा से 200 किलोमीटर पहले है। और दोस्तों, अभी मेरे को आ रहा है नींद। और दोस्तों, टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा दोस्तों 3:19 हो रहा है। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। ठीक है ना, जो भी कोई माहौल, जो भी कोई मोमेंट रहेगा सुबह दिखाऊंगा आप लोगों को। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा टूल टैक्स पर। दोस्तों, अपना विजयवाड़ा यहाँ से 20-30 किलोमीटर है। अभी हम लोग इधर रुके थे टूल टैक्स पर, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, अब चलते हैं इधर से। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग राजमुंद्री से 100 किलोमीटर पहले इधर अपनी गाड़ी में ग्रीस करा रहे हैं। हो गया ग्रीस। और दोस्तों, ये अपना चेन्नई से सीधा रोड जा रहा है कलकत्ता, और यहाँ से अपना कलकत्ता का सफ़र बच रहा है अभी 1150 किलोमीटर। अब देखते दोस्तों कब तक पहुँचते उधर, भाई को पैसा देते हैं इनको, फिर चलते इधर से। दोस्तों, अभी हम लोग विशाखापट्टनम में हैं, इधर अपनी गाड़ी में डल रहा है डीजल। और दोस्तों, इधर आंध्रा में डीजल बहुत महंगा है। ये देखो, इधर में 98 रुपये लीटर डीजल है, इधर में 98 रुपये लीटर डीजल है दोस्तों अपना आंध्रा में। वो चलते दोस्तों डीजल के डलवा लिए, बाकी डीजल अपना वो उधर से लेंगे उड़ीसा से, उधर अपना 4-5 रुपये सस्ता मिल जाएगा। वो गाड़ी नंबर 5768। ठीक है दोस्तों, चलते इधर से रसीद लेके। पेमेंट भैया को मैंने पहले कर दिया था। हाँ, कुछ भी निकाल दो, जो भी नंबर डालते कुछ भी डाल के निकाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो इसी नंबर से। दोस्तों, इधर से हम लोगों ने डीजल डलवा लिया है, अब चलते हैं अपना कलकत्ता का सफर बचा हुआ इधर से 900 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, देखते कब तक पहुँचते अपना कलकत्ता के लिए। दोस्तों, अपना विशाखापट्टनम बाईपास है। ठीक है दोस्तों, अभी बाईपास में चढ़ देंगे। दोस्तों, अभी हम लोग उड़ीसा बॉर्डर से 200 किलोमीटर पहले हैं। और दोस्तों, टाइम हो रहा अभी रात के 2 बज रहे हैं। अब दोस्तों चलते इधर से और अपना कंटिन्यू सफर करते उड़ीसा के लिए। अभी दोस्तों मैं जाऊँगा छोड़ने के लिए, भैया चलाएगा गाड़ी। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं उड़ीसा बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर पहले, इधर पड़ता अपना ये मेवाती ढाबा।
कि दोस्तों उड़ीसा में आरटीओ ज़्यादा परेशान करते दिन में। उड़ीसा बॉर्डर से पहले ही अपना सरपंच ढाबा जिधर हम खड़े हैं दोस्तों, अभी चलेंगे हम इधर से शाम को। ठीक है दोस्तों, अभी हम इधर नहा धो लिए, नहाने धोने का बढ़िया सुविधा था, अभी इधर खाना वाना खाते हैं दोस्तों। जो जो मोहम्मद जो जो माहौल ठीक है ना दोस्तों। अभी शाम के 7 बज रहे हैं, हम लोग उड़ीसा में एंट्री कर चुके हैं और दोस्तों अब पूरी नाइट कंटिन्यू अपना सफ़र जारी रहेगा कलकत्ता के लिए। अभी कलकत्ता का सफ़र यहाँ से 650 किलोमीटर बच रहा है। अब दोस्तों जिधर ही मेरे को दिन निकल गया उधर ही मैं अपना गाड़ी किसी होटल पर खड़ा कर लूँगा। दोस्तों दिन में गाड़ी चलाने में उड़ीसा में आरटीओ जो रहते हैं उधर कर्मचारी परेशान ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम लोग उड़ीसा में अपना गाड़ी ओनली नाइट में चलाते हैं। दोस्तों अभी आपका भाई पहुंच चुका है उड़ीसा में और उड़ीसा में भाई जंगल वाला इलाका चालू हो चुका है। ये दोस्तों घाट पड़ता छोटा सा, इधर मोड़ पड़ता बहुत खतरनाक है, उसके लिए हम लोगों को पहले अपना गाड़ी स्लो करके उतारना पड़ेगा इधर। और दोस्तों ड्राइवर चालकों ने बहुत नीचे खाई है, ये लगा लो भाई गाड़ी नीचे गई तो ना गाड़ी आ पाएगी ना हम आ पाएंगे, दोनों ऊपर पहुंच जाएंगे गाड़ी के साथ साथ। दोस्तों अभी हम लोग कटक से पहले हैं 50 किलोमीटर, इधर अपना सरपंच ढाबा पड़ता है, इधर हम लोगों ने खा लिया खाना और इधर से एक राइड भी ले लिया, कभी नींद नींद आएगी तो अपना काम आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों चलते अपना कंटिन्यू सफ़र करते हैं कलकत्ता के लिए। दोस्तों अभी हम लोग अपने क्या बोलते हैं कटक में एंट्री कर चुके हैं और अभी अपना कलकत्ता का सफ़र बच रहा है 400 किलोमीटर और टाइम हो रहा है अभी रात के 2 बज रहे हैं। अभी मेरे को सुबह 5-6 बजे मॉर्निंग में गाड़ी खड़ा करना है, नहीं दिन में आज जो हमारा क्या कर देगा भाई, हुक्का भर देगा हुक्का, ठीक है आज जो भाई बादशाह भर देगा अपना। सुबह हम लोगों ने मॉर्निंग में गाड़ी खड़ा नहीं करा तो ठीक है। तो भाई लोग बने रहिए वीडियो के अंदर, दिखाएंगे आप लोगों के लिए जो भी कोई मोमेंट जो भी कोई माहौल रहेगा। और भाई लोग अभी हम लोग उड़ीसा में है कटक में, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग कलकत्ता से 300 किलोमीटर पहले और इधर हम लोगों ने गाड़ी रोक लिया अपना चाय वाय पीने के लिए। दोस्तों टाइम बहुत हो रहा है, अभी सुबह के 4 बज गए और इधर से हम लोगों ने दोस्तों ये ले लिया चाय, अब चाय को पीते हैं फिर चलते हैं। और दोस्तों इधर उड़ीसा में भी कोहरा पड़ रहा है, ये देखो दोस्तों इधर कोहरा पड़ रहा है भाई। देखो दोस्तों एक ही चक्कर में कहीं पे हम लोगों को गर्मी देखने के लिए मिली, कहीं पे सर्दी, कहीं पे कोहरा, ये अपने ट्रक ड्राइवर का लाइफ होता है। अरे भाई जाता है चाय तो पीने थे यार, ये भाई दुकान वाले कह रहा होते अभी चाय भी नहीं पिया बोल रहा गाड़ी बढ़ाओ, सब लोगों को अपने पैसे से मतलब रहता है, मेरे को अभी मुश्किल से इधर 5 मिनट भी नहीं हुआ। दोस्तों अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम लोग खड़े इधर एक अपना मेवाती होटल है, इधर हम खड़े हैं और टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा दोस्तों, टाइम हो रहा भाई 5:13। ठीक है दोस्तों अभी सो रहे हैं, मिलते हैं सुबह, ठीक है। हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता मैं कलकत्ता से 30 किलोमीटर पहले रात में इधर खड़ा हो गया था और अभी देखो इधर एक गाड़ी ऊपर इधर हाईवे पर नहीं चढ़ पा रहा, ये सामने चढ़ा ही पड़ रहा ना, ड्राइवर ने एक कम से कम 10 बार कोशिश करके देखा। भाई साहब अभी हम लोग खड़े कलकत्ता से 250 किलोमीटर पहले,
और अभी हम लोगों ने इधर गाड़ी रोका रेड बुल लेने के लिए। अभी दोस्तों अपना कोशिश रहेगा कलकत्ते में नाइट में ही अपना गाड़ी लगाने का, ठीक है। अब ये दोस्तों नाइट में अपना गाड़ी टाइम से लग जाएगा तो उधर खाली होकर नाइट में निकल जाएगा अपना सिटी का माल है। भैया उधर सामने गया दुकान पर रेड बुल लेने के लिए, जैसे रेड बुल लेकर चलते दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोगों का रेड बुल इधर आ चुका है, अब दोस्तों चलते अपना कंटिन्यू सफर करते हैं ताकि अपने उधर टाइम से पहुंच जाए अपना गाड़ी, रात में खाली होकर रात में निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा अपने लिए। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपना कलकत्ता, जो अपनी लोकेशन यहाँ से 20 किलोमीटर है। और दोस्तों अभी नॉन टू खुलने में आधा घंटा, इधर से हमने अपना चिकन बिरयानी पैक करवा लिया था, कलकत्ता स्टाइल की बिरयानी दिखाता हूँ आप लोगों को कैसा रहती है। ये दोस्तों अपना कलकत्ता स्टाइल में बिरयानी है, चिकन और आलू दोनों मिक्स रखते हैं, देखो भाई जिंदा आलू जिंदा। ठीक है दोस्तों अभी हम लोग खाना वाना खाने के बाद फिर चलते हैं इधर से। दोस्तों अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कलकत्ता, इधर लगा हुआ है जाम। और ये चाचा जो हमको इधर हमारी जगह में छोड़ गए जिधर हमारा गाड़ी खाली होगा, चाचा को पूरा रास्ते का मालूम है, ठीक है ना चाचा? ये चाचा अपना गाइड है, आज अपनी गाड़ी को ये छोड़ गएगा। और अभी दोस्तों अपना लोकेशन है यहाँ से 15-16 किलोमीटर है, अब देखते कब तक पहुँचते उधर। अब चाचा बोल रहा है जाम इधर में 1 घंटे में खुल सकता है, भाई 2 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंदर। दोस्तों जो अपना गाड़ी खाली होगा हावड़ा ब्रिज के बगल में ही खाली होगा चाचा, अगर हावड़ा ब्रिज के बगल में तो पड़ता है जिधर गाड़ी खाली होगा अपना, आप बड़ी बाजार में मतलब हावड़ा ब्रिज के बगल में ही तो है। ठीक है दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंदर। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, इधर अपना गाड़ी खाली हो रहा है बिल्कुल सिटी में खाली हो रहा है इधर, अब देखते हैं दोस्तों अपना गाड़ी इधर कब तक खाली होता है। सुबह 6-7 बजे इधर नो एंट्री लग जाता है, अब 5-6 बजे तक अपना गाड़ी खाली होगा तो नाइट में इधर से अपना गाड़ी निकल जाएगा। दोस्तों जो अपना हावड़ा ब्रिज है उसकी लोकेशन यहाँ से 2 किलोमीटर है। हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता अपना गाड़ी उधर सिटी का माल लेके आई थी, उधर सिटी में अपना गाड़ी नाइट में खाली हो गया था, और अभी हम लोग गाड़ी खाली करके आ चुके हैं दान कुन्नी में। और इस ब्लॉग को यहीं पे डिन करते हैं, मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।